गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना ये मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ, जिसके लिए मैं क्लीन फेस से स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मैं अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। मैं यहाँ पर ओले का इंस्टेंट ग्लोइंग फेयरनेस मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। यह आपके फेस को बहुत ही मैट एंड फ्रेश लुक देता है। इसको यूज़ करने से पहले अच्छे से अपने फिंगर में वार्म कर लेंगे, ताकि ये प्रोडक्ट अच्छे से हमारे स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए। क्योंकि अगर आप इसे वार्म नहीं करते हो एंड डायरेक्ट अप्लाई करते हो, तो फिर ये आपके फेस में थोड़ा सा वाइट कास्ट छोड़ देता है, तो आपको इसको मिक्स करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसको अगर आप फिंगर में पहले ही वार्म कर लेते हो, तो ये बहुत अच्छे से आपके स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है एंड बहुत अच्छा लुक देता है। इसमें यूवी प्रोटेक्शन भी है, तो सन रेज से भी ये प्रोटेक्ट करता है। बट फिर भी अगर आप डे टाइम में बाहर जा रहे हो, तो सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करें। नाउ अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर लेंगे। यहाँ पर मैं निव्या का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। इसमें टिंटेड कलर भी है, ये आपके लिप्स को थोड़ा सा पिंकी टोन भी देता है। सो लिप्स को भी मॉइस्चराइज कर लेंगे, ताकि लिपस्टिक लगाते वक्त हमारी लिप्स फ्लेकी ना लगे एंड मॉइस्चराइज लगे। नाउ स्किन इज़ रेडी फॉर मेकअप। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर पॉन्स का बीबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ। इसको थोड़ा सा फिंगर में लेकर किस तरीके से मैं अप्लाई कर रही हूँ, ये आप देख लो, तो फिर आपको ब्रश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे हाथ से ही अप्लाई कर सकते हो अपने फिंगर से। ये बहुत ही नेचुरल कवरेज देता है आपके फेस पे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आपने बहुत हैवी मेकअप किया हुआ है। ये बिल्कुल आपके स्किन जैसा ही आपको फील होगा लगाने के बाद। इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने पूरे फेस पे इसको डॉट डॉट करके लगा लेंगे। अगर आप हाथ से फाउंडेशन, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम कुछ भी लगा रहे हो, गलती से भी इसको हाथ से रफ़ नहीं करना जैसे मॉइस्चराइज़र को करते हैं, नहीं तो फिर आपका पूरा कवरेज चला जाएगा। थोड़ा सा भी कवरेज आपको नहीं मिलने वाला है। तो जिस तरीके से मैं अपने फेस पे लगा रही हूँ, इस तरीके से आप पूरे फेस पे इसको स्प्रेड कर दोगे अच्छे से। जब ये आपके पूरे फेस पे अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा, फिर आप अपने एक फिंगर के हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लोगे। इससे क्या होता है कि ज़्यादा फेस पे प्रेशर नहीं पड़ता, जिसके वजह से इक्वली जो प्रोडक्ट है वो आपके फेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एंड इवन लुक आता है बिल्कुल। नेक पर भी लगाना बिल्कुल ना भूले, नहीं तो फिर आपका नेक एंड फेस अलग अलग लगेगा। सो नेक एंड फेस को इवन दिखाने के लिए नेक पर भी ज़रूर अप्लाई करें। सो मैं यहाँ पर कंसीलर के लिए भी बीबी क्रीम का ही यूज़ करूँगी। ये आपके डार्क सर्कल को नेचुरली हाइड कर देगा। बहुत हल्का फुल्का कवरेज है एंड बहुत ही नेचुरल सा फिनिश आता है। बट अगर आपके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं, तो फिर आपको कंसीलर यूज़ करना पड़ेगा। इसी तरीके से फिंगर से टैप टैप करके मैं स्प्रेड कर लूँगी एंड फिर फिंगर से अच्छे से ब्लेंड भी कर लूँगी। गाइज, आप क्लियरली देख पा रहे हो कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया है मेरा प्रोडक्ट। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने बहुत सारा प्रोडक्ट अप्लाई किया, केकी लुक नहीं आ रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी नेचुरल स्किन है, इतने अच्छे से ये ब्लेंड हुआ है फिंगर से। नाउ फेस को अच्छे से सेट कर लेंगे। सेटिंग के लिए मैं यहाँ पर लैक्मे 95 का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। अनफॉर्चुनेटली मेरा ये कॉम्पैक्ट टूट गया है गलती से मेरे से, एंड आई डोंट नो हाउ टू फिक्स इट। बट मैं देखती हूँ, अगर मैं इसको अच्छे से फिक्स कर पाती हूँ, तो मैं वो भी आपके साथ वो वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों का भी अगर ऐसे अनफॉर्चुनेटली कॉम्पैक्ट टूट जाए, तो आप उसको अच्छे से फिक्स कर सको। सो मैं अभी इस टूटे हुए कॉम्पैक्ट को ही स्पंज के हेल्प से अप्लाई करूँगी टैप टैप करके। मैं इसको स्किन में रफ़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि रफ़ करने से मेकअप हट जाएगा अपने प्लेस से एंड फिर आपका कवरेज चला जाएगा। सो इसको अच्छे से टैप टैप करके अप्लाई करेंगे। गाइस, इस वीडियो में मैं कोई भी एक्स्ट्रा से मेकअप ब्रश का यूज़ नहीं कर रही हूँ। जो भी प्रोडक्ट के साथ मिलता है, मैं बस उसी का यूज़ कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैं अपने फिंगर्स का यूज़ कर रही हूँ। मैंने कोई भी यहाँ पर एक्स्ट्रा से मेकअप ब्रश या टूल्स का यूज़ नहीं किया अपने मेकअप को कम्प्लीट करने के लिए। नाउ मैं इस आईशैडो पैलेट के हेल्प से अपना हाइलाइटिंग का एंड कॉन्ट्रोलिंग का काम करने वाली हूँ। इसमें से जो पिंक शेड है, उसको मैं हाइलाइटिंग के लिए यूज़ करूँगी एंड इसके नीचे जो ब्राउनर है, उससे मैं कॉन्ट्रोलिंग करूँगी।
This shade I use for highlighting. हाइलाइटिंग के लिए मैं अपने रिंग फिंगर का यूज़ करूँगी क्योंकि इससे बहुत ही लाइट प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से हाइलाइटिंग का काम बहुत अच्छे से हो जाता है। नाउ हाइलाइटिंग का काम फिनिश हो चुका है एंड मेरा फेस अच्छे से हाइलाइट हो चुका है। नाउ मैं एरियस का पैलेट यूज़ कर रही हूँ, इसमें से मैं ब्लैक वाला शेड यूज़ करूँगी अपने आईब्रोज़ को सेट करने के लिए। नाउ मैं उसी आईशैडो पैलेट का यूज़ करूँगी जिससे मैंने हाइलाइटिंग का काम किया था। उसके नीचे जो ब्राउन्जर है उससे मैं अपने नोज़ को कॉन्ट्रोल करूँगी। मुझे फेस कॉन्ट्रोलिंग पसंद नहीं है इसीलिए मैं सिर्फ अपने नोज़ को कॉन्ट्रोल करूँगी। एंड नोज़ कॉन्ट्रोलिंग तो मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है नोज़ को कॉन्ट्रोल करना। एंड इसको आप अगर फिंगर से ही करो तो ये ज़्यादा बेटर होता है, किसी भी ब्रश से आप ना ही करो तो ठीक है। अगर आप ब्रश से मेकअप कर भी रहे हो तो नोज़ कॉन्ट्रोलिंग आप एक बार अपने फिंगर से करके देखो, आपको इतना अच्छा लगेगा, फिर आप ब्रश से कभी नोज़ कॉन्ट्रोलिंग करोगे ही नहीं। नाउ कम इन टू दी आइस, मैं यहाँ पर आई लाइनर के लिए लैकमे का लाइनर यूज़ कर रही हूँ। इसका मैंने फुल रिव्यू भी किया हुआ, आप मेरे चैनल पर जा कर के देख सकते हो। ये लाइनर मुझे बहुत ही पसंद है, ये वाटर रेसिस्टेंस है, वाटर प्रूफ नहीं है एंड बहुत ही मैट लुक देता है। ये बहुत ब्लैक कलर में है एंड बहुत अच्छा लगता है मुझे ये लाइनर। इस लाइनर को यूज़ करना भी बहुत ईजी है, अगर आप बिगनर्स हो, आपको नहीं आता लाइनर लगाना, तो आप इसके साथ प्रैक्टिस करके सीख भी सकते हो क्योंकि इसका एप्लीकेटर बहुत अच्छे से लाइनर लगाने में आपको हेल्प करता है। नाउ लाइनर कंप्लीट हो चुका है एंड लास्ट लिपस्टिक बचा हुआ है। मैं यहाँ पर रेड लिपस्टिक का यूज़ कर रही हूँ। लगता है ये कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया, अभी अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको रिमूव कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ गार्नियर मैसलर वाटर। इस बार मैं इसको टैप टैप करके अपने लिप्स में लगाने वाली हूँ ताकि कलर थोड़ा सा कम आए। नाउ ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है।
दुनिया मेरी।